रास्ता छोड़ साइड में जी गुरु माता, आपके उज्जैन आगमन पर जैसे ही यहाँ के भक्तों को पता चला कि आप उज्जैन पधार रहे हैं, तो यहाँ पर काफी लोगों का तांता लग गया आपके दर्शन के लिए, क्या विशेष है? ये तो ईश्वर का ही आशीर्वाद है, ईश्वर का ही मैं कह सकती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, जो इतने भक्त मुझसे मिलने आए, इतना मान सम्मान दिया। ईश्वर की भक्ति ही मेरी शक्ति है और उसी शक्ति के प्रताप से मुझे आज इतना मान सम्मान मिल रहा है। इतना सबने मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इसी के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जी, देश विदेश से काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कुछ भक्तों से हमने जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आपके आशीर्वाद मात्र से ही उनके सारे दुख दर्द संकट दूर हो जाते हैं, तो ऐसी क्या शक्ति है जिससे कि उनके हर संकट दूर हो जाते हैं आपके आशीर्वाद से? देखिए, ईश्वर की जो भक्ति है वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और हम अगर उस शक्ति की मन से पूजा पाठ करते हैं, मन से हम तन मन धन लगा करके अगर कोई पूजा पाठ करते हैं, तो एक दिन ईश्वर भी हमें वो चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है जिसके कारण हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो जो मुझे ईश्वर से आशीर्वाद मिला है वो ही मेरी शक्ति है, और उसी शक्ति के कारण मैं लोगों का भला कर पाती हूँ, लोगों की दुख तकलीफ को दूर कर पाती हूँ। जी, आप दिल्ली जैसे शहर से उज्जैन विक्रांत भैरव पर आते हैं और यहाँ पर आपकी पूजन अर्चन आप करते हैं, तो इस स्थान में ऐसा क्या है जहाँ सर आपको मतलब यहाँ से शक्ति प्राप्त होती है, क्या विशेषता है? उज्जैन की जो नगरी है ये देवताओं का एक गढ़ है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता जो है निवास करते हैं, और उनमें से एक है विक्रांत भैरव। विक्रांत भैरव एक चमत्कारिक दिव्य स्थान है, यहाँ पर जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका कई हजार गुना हमें फल प्राप्त होता है। और मेरा मानना अपना ये है कि एक अपने जगह का भी एक, जैसे हम कहीं पर भी पूजा करते हैं तो एक उस जगह का भी अपना एक प्रभाव होता है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर मैं आती हूँ विक्रांत भैरव में, और यहाँ पर जो भी मैं पूजा करती हूँ वो मेरी सफल होती है। विक्रांत भैरव सबकी समस्या सुनते हैं, और जितनी भी जो भी समस्याएं होती हैं सब विक्रांत भैरव के चरणों में ला करके मैं रख देती हूँ, और उनका फल जरूर मिलता है। जी गुरु माता, भक्तों ने बताया कि आपकी पूजा पाठ सिद्धि से ही भक्तों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं, आपके आशीर्वाद से ही उनके बहुत से कार्य सफल हो जाते हैं, और कई पंडित पुजारियों को, तांत्रिकों को हमने देखा जिनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल हो, तो इसके पीछे भी कुछ राज है? देखिए, सिंपल का तो कुछ नहीं है ऐसा। मैं कल पूजा करने गई थी तो मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, आज मैंने कुछ और कलर के पहन रखे हैं, कल मैं कुछ और कलर के पहनूंगी। तो मेरा ये मानना है कि पूजा पाठ का कपड़ों से, वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है। बोली नमस्कार, मैं हूँ नीलेश मालविया और आप देख रहे हैं उज्जैन से पब्लिक लाइव। आज हम मौजूद हैं उज्जैन के विक्रांत भैरव पर। जी हाँ, शिप्रा नदी के तट पर विक्रांत भैरव का मंदिर है, जहाँ जो कि तंत्र विद्या के लिए पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। आज यहाँ पर दिल्ली के मशहूर गुरु माता यहाँ पर पूजन पाठ के लिए आए हुए हैं, जिनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। ये जगह विक्रांत भैरव का मंदिर है शिप्रा नदी के तट पर, जहाँ पर तंत्र क्रियाओं के लिए ये फेमस है। हम इस अंधेरी रात में, जो कि यहाँ पर विक्रांत भैरव आने जाने के रास्ते में आप देखे हैं कि दोनों साइड यहाँ पर शमशान है, पीछे आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पर चिताएं जलती है, और यहीं पर तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है उज्जैन, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है, शमशान नगरी है, शमशान भूमि है। यहाँ पर आज पधारे हैं दिल्ली से दिव्यांशी गुरु माता जी, जिनके दर्शनों के लिए, जो कि यहाँ पर पूजन पाठ के लिए आए हुए हैं, दर्शनों के लिए हजारों भक्त यहाँ पर मौजूद हैं।